Guys, it is a second part of ICT pedagogy integration, and the first question is which group is related to हार्डवेयर. पिछली बार हमने सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन देखा था, इसमें हार्डवेयर वाला क्वेश्चन आया है. तो ऑप्शंस है ALU, CPU, मॉनिटर एंड कीबोर्ड. ALU, CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड. दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं बता दूँ, वो चीज़ें जिनको आप छू सकते हो वो सब हार्डवेयर है, और जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, वो सभी सॉफ्टवेयर है. यहाँ पर आप ALU को टच कर सकते हो, CPU को भी टच कर सकते हो, मॉनिटर को टच कर सकते हो और कीबोर्ड को टच कर सकते हो. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच ग्रुप इज़ रिलेटेड टू हार्डवेयर. ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हार्डवेयर और कौन सा सॉफ्टवेयर है. इसी कारण हम इसके अदर ऑप्शंस पे भी जाएंगे. ऑप्शन बी है एमएस वर्ड, जो आपको पता है एक सॉफ्टवेयर है. ऑप्शन अगला है कीबोर्ड, जो कि एक हार्डवेयर है. और अगला है ALU, जो कि एक हार्डवेयर है. और CPU भी एक हार्डवेयर है. इस वाले ग्रुप में ओनली सॉफ्टवेयर था एमएस वर्ड, बाकी सारे हार्डवेयर हैं. ऑप्शन सी में एमएस पावर पॉइंट. एमएस पावर पॉइंट एक आपका सॉफ्टवेयर है. यहाँ पर ALU आपका हार्डवेयर है, माउस भी आपका हार्डवेयर है, इसको भी आप टच कर सकते हो, प्रिंटर को आप टच कर सकते हो, ये आपका हार्डवेयर है. इस ग्रुप में तीनों ही हार्डवेयर है, लेकिन MS पावर पॉइंट आपका सॉफ्टवेयर दिया गया है. CPU आपका जो है हार्डवेयर है, MS Excel आपका सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप आपका सॉफ्टवेयर है, MS Word आपका सॉफ्टवेयर है. इस ग्रुप में तीनों जो दिए गए हैं ये सॉफ्टवेयर है, और CPU आपका हार्डवेयर है, बिकॉज़ यू कैन टच इट. ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि हार्डवेयर वाला ग्रुप कौन सा है. और ये भी ध्यान आपको रखना है कि इसमें कौन कौन से हार्डवेयर है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर है. अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस. कौन सा इनमें से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है. नोट यहाँ पर आया है, देखते हैं. CD-ROM, CD-ROM तो आपका इसने पूछा है, नहीं है. CD-ROM है, हार्ड डिस्क है, रोम है और पेन ड्राइव है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इज़ नॉट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस. इसका मतलब ये नहीं है, बाकी तीनों है. रोम तो आपका प्राइमरी मेमोरी डिवाइस में आता है, PMD में आता है, लेकिन CD-ROM, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये तीनों ही सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस माने जाते हैं. इनको आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस में, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे आपका मोबाइल हो. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है रोम वाला क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन दोस्तों किसे कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा. कंप्यूटर का ब्रेन हमने पढ़ा है. ऑप्शन है मदरबोर्ड, CPU, रैम और रोम. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. देखते हैं अगले क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर. यहाँ पर फिर हार्डवेयर से क्वेश्चन पूछा है, नॉट अ हार्डवेयर. तो कीबोर्ड, माउस, पावर पॉइंट और जोस्टिक, ये इसके ऑप्शंस है. यहाँ पर ये जो तीनों ही दिए गए हैं, जोस्टिक, माउस और कीबोर्ड. जोस्टिक दोस्तों ये वही चीज़ है जिसको अपन जब अपन छोटे बच्चे थे तब खेला करते थे, गेम्स वगैरह खेलने में इसको यूज़ किया करते थे. तो ये तीनों ही, इन तीनों को आप टच कर सकते हो, तो ये आपके हो जाएंगे हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस और जोस्टिक. लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर. तो यहाँ पावर पॉइंट जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच वन इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रोम. रोम के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कौन सी बात सही है. ऑप्शंस है रीड ओनली मेमोरी कैन बी एक्सपेंडेड, एडिटिंग इज पॉसिबल, नन ऑफ द अबव. इसके कैन बी एक्सपेंड नहीं, इसको एक्सपेंड नहीं किया जा, एडिटिंग नो. रीड ओनली मेमोरी यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव भी रॉन्ग है. रीड ओनली मेमोरी, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिले रोम में, तो आपको रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही माना गया है. अगला क्वेश्चन है लैन, LAN, इज. लैन क्या है दोस्तों,
ऑप्शंस आर, ये आपके फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म का जरूर आता है, किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, वो चाहे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो, वो चाहे पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, अक्सर ये देखा जाता है कि एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का आता ही आता है। ऑप्शंस है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकेलिटी अराउंड नेट, लाउड एरिया नेट नेचर एंड लोकेलिटी अराउंड नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आपको ध्यान रखना है, लेन LAN, L इज इक्वल टू लोकल, A इज इक्वल टू एरिया एंड N इज इक्वल टू नेटवर्क, ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से एक फुल फॉर्म पूछा है, CALT रेफर्स टू, CALT, इसने ऑप्शंस दिए हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, असिस्टेड में यहाँ एस नहीं है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज ट्यूटर, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज एंड ट्रेनिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग। यहाँ पर लर्निंग को आपको एम्फोसाइज करना है, लर्निंग एल इज इक्वल टू लर्निंग, नॉट नॉट लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एंड टी इज इक्वल टू टीचिंग नॉट ट्रेनिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है एग्ज़ाम में, जब ये दोनों ही ऑप्शन एग्ज़ाम में आते हैं, लैंग्वेज एंड ट्रेनिंग को टिक करें या लर्निंग एंड टीचिंग को टिक करें, तो लर्निंग एंड टीचिंग को आपको क्लिक करना है एग्जाम के अंदर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, CAL इज, CAL, यहाँ फिर से एक फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म पूछी गई है और ऑप्शंस है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग लर्निंग एंड कंप्यूटर असिस्टेड लेक्चर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ना कि कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज, ठीक है, हालांकि लैंग्वेज इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन आपको कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आपको ध्यान रखना है। आज की इस वाली क्लिप में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लिप में नए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।